सेवा भारती सम्मान समारोह में हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा के लिए, समाज के कल्याण के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए और समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए समर्पित किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने देश राष्ट्र की सेवा के लिए काम किया, माननीय इंद्रेश कुमार जी, सेवा भारती दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष श्री रमेश अग्रवाल जी, दिल्ली प्रांत के संघ चालक जी, माननीय श्री अनिल अग्रवाल जी, सेवा भारती की महामंत्री रेणु पाठक जी, सभी गणमान्य अतिथिगण और सेवा भारती सम्मान समारोह में जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन परिवर्तन करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कार्य किया, सेवा भारती के माध्यम से उनके जीवन परिवर्तन में सहयोग किया, ऐसे सभी सेवा भारती सम्मान समारोह में सेवा सम्मान प्राप्त करने वाले महान विभूतियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। सेवा भारती लंबे समय से माननीय बाला साहब देवरस जी के मार्गदर्शन में लंबे समय से समाज के जीवन के अंदर, समाज के व्यक्तित्व निर्माण से लेकर समाज के उन दुर्गम इलाकों के अंदर जहां लोग अभाव में रहते हैं, उन वंचित लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए सतत रूप से सेवा के रूप में काम कर रही। सेवा भारती ने प्रयास किया कि सबसे पहले समाज के उस अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, जो समाज के अंदर वंचित है, गरीब है, अभाव में रह रहा है, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन किया जाए और उस परिवर्तन के लिए समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उन्होंने एक व्यापक कार्य योजना बनाकर, जैसा सेवा भारती के विवरण में दिया गया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वह दुर्गम इलाके अंदर जहां समाज का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, उस दुर्गम इलाके के अंदर जाकर उनके सामाजिक जीवन में तो परिवर्तन करना ही, लेकिन एक लंबे समय की कार्य योजना बनाकर
हम किस तरीके से समाज में उनको सम्मानजनक जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी, एक कुशल जिंदगी में हमारा क्या योगदान होना चाहिए, उस दिशा में काम किया। अभी मैं सेवाधाम के उन बच्चों को देख रहा था जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, दुर्गम इलाकों से आते हैं, दुर्गम बस्तियों से आते हैं, किन्हीं के माता पिता नहीं है, कहीं की मां है तो पिता नहीं है, कई बेसहारा है, कई फुटपाथ पर सोते थे। उन सब बच्चों को लाकर सेवाधाम में अच्छी शिक्षा संस्कार से किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन किया है, यह हम सब ने देखा है। और किसी बच्चे को एक अच्छी शिक्षा संस्कार देकर उसको एक सम्मान की जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए जितना लंबा प्रयास सेवा भारती ने किया, वैसा प्रयास किसी संस्था ने नहीं किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी सेवा भारती के कामों को देखा है और सेवा भारती में काम करने वाले, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, उस सेवा भारती के लोगों ने सबसे समाज के अभाव के क्षेत्रों को चिन्हित किया कि किन किन क्षेत्रों को अंदर हम काम कर स्थायित्व रूप से, केवल अस्थायी रूप से नहीं कि एक बार आवश्यक रूप से मदद कर दी और फिर छोड़ दिया, कार्य योजना बनाते समय एक स्थायी रूप से उसके जीवन में क्या क्या कठिनाई है, क्या क्या अभाव है, और उसको उन कठिनाइयों अभावों को दूर करते हुए एक लंबे समय की योजना बनाकर उसके जीवन को बेहतर करने की योजना बनाई। और इसीलिए जैसा सेवा भारती का विचार है, उसी विचारों को लेकर सेवा, समृद्धि, समरसता, समृद्धि, नर सेवा, नारायण सेवा, उन्हीं विचारों को लेकर आपने समाज के उन अंतिम व्यक्ति के दुख दर्द को समझा, उनकी पीड़ा को समझा। और विशेष रूप से मैं जो लोगों को देख रहा हूं, वो अपने व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, इंडस्ट्रीज, सरकारी सेवा, निजी सेवा में काम करने के बाद भी अपना समय निकाल कर केवल धन से नहीं कि धन देकर सेवा किए, धन के साथ मन, विचार, लंबी सोच, बिना प्रचार प्रसार के एक सेवा समर्पण के भाव से सेवा भारती के हजारों लाखों स्वयंसेवक आज देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं। अभी मुझे एकल विद्यालय का जित्र अग्रवाल जी ने कहा, एकल विद्यालय के माध्यम से देश के अंदर उन दूर दराज के आदिवासी नक्सली इलाकों के अंदर जहां वो दिशाहीन हो गए थे, वहां पर उनको शिक्षा देना, संस्कार देना, और जहां शिक्षा अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी शिक्षा के केंद्र खोलकर उनको प्रारंभिक शिक्षा देकर
एक सामाजिक रूप से एक शिक्षित समाज बनाना। जितना समाज शिक्षित होगा उतना ही उस समाज में, उस देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा, चिंतन में बदलाव आएगा। और इसीलिए एकल विद्यालय ने भी इसी तरीके से लाखों विद्यालय खोलकर काम किया, उसी तरीके से सेवा भारती ने भी करुणा से, सहानुभूति से, संवेदना से, पीड़ा से लोगों के जीवन को बेहतर करने का काम किया। और ये हमने देखा है कोरोना के समय, जब कोरोना का वैश्विक संकट था, हमारे पास संसाधन कम थे, हमारे पास उन विकसित देशों जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन सेवा, करुणा, दया और सहकार की भावना थी, सहयोग की भावना थी, सेवा की प्रतिबद्धता थी। और इसीलिए आपने देखेगा कोरोना के समय किसी ने किसी को नहीं कहा, जिसने जहां अभाव देखे, वंचित लोग देखे, सेवा के लिए निकल गए और सेवा करने निकल गए। कोई को ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन, कोई को वेंटिलेटर जो तो वेंटिलेटर, उसको कोई खाने की जरूरत है खाने, कोई राहगीर में जा रहा है, रास्ते में जा रहा है तो कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई चप्पल पहना रहा है, कोई साधन लगा रहा है। हर उम्र का नौजवान से लेकर हर बुजुर्ग व्यक्ति उस कोरोना जैसी वैश्विक संकट के अंदर भी अपनी जान जोखिम में डालकर उन सब वंचित लोगों के लिए सेवा के आगे आया। यह सेवा का संस्कार का भाव भारत की संस्कृति और संस्कारों में है। भौतिक रूप से, आर्थिक संसाधनों से हमारे बहुत विकसित देश आगे होंगे, लेकिन जो सेवा का भाव, जो समर्पण का भाव, वो भारत के आध्यात्मिक धर्म के अंदर है, हर धर्म के अंदर है। और इसलिए आध्यात्मिक संस्कृति, संस्कार हमारी सेवा की है। कहां भी संकट आए, देश में संकट आए, देश के बाद दुनिया में संकट आए, सबसे आगे अगर सेवा में रहता है तो भारत रहता है। अभी तुर्की के अंदर जब भूकंप आया था, उस समय सबसे पहले सहायता पहुंची तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के भारत ने पहुंचाई। नेपाल में आया हो, कोई भी देश में आया हो, हम हमारे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां भी कोई संकट आता है, उस संकट के अंदर हमारी संस्कृति, हमारे विचार इस सेवा के हैं। और यही विचारों को लेकर सेवा भारती ने अलग अलग, चाहे छात्रावास हो, चिकित्सा हो, चाहे वो बस्तियां हो, मैंने तो ऐसी ऐसी बस्तियों में सेवा भारती के लोगों को काम करते देखा कि मैं 200 साल तक उस बस्ती में जाता था। मैंने बहुत प्रयास किया, उनको बहुत समझाया कि मैंने कहा शराब छोड़ दो, तुम रोज 300-400 रुपए कमाते हो, छोड़ दो। पर वो हमारी समझ में नहीं आया। एक दिन मैं गया तो वहां पर कुछ लोग भजन कीर्तन मंडल कर रहे, 2-3-4 लोग उसी समाज के लोग साधु बनकर कीर्तन कर रहे। मैंने कहा इस बस्ती में क्या परिवर्तन हो गया कि सेवा भारती काम कर रही है पिछले एक साल से। मेरी बेटियां एक दिन दूर दराज के इलाके में गई, मैंने कहा कहाँ गई थी, कि हम सेवा भारती वालों के साथ जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे उनकी बस्ती बनी हुई है, उन बस्तियों, सबसे अंतिम बस्तियों में सेवा करने की। जब रक्षाबंधन का पर्व आया तो
कच्ची बस्ती में रहने वाली छोटी छोटी बेटियों ने अपने हाथ से रक्षाबंधन बनाकर उसका काम किया। मैं कितने क्षेत्र बता दूं सेवा भारती के जो आपने दिए, उसके अलावा मैं बता रहा हूं, उन सब क्षेत्रों के अंदर जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारा चिंतन नहीं पहुंचे उससे पहले सेवा भारती का चिंतन पहुंचता है कि वह क्षेत्र है जहां अभाव वंचित लोग हैं, उनके जीवन को परिवर्तन करना है। और इसके लिए जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं वह साधु के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। धन, सामर्थ्य, शक्ति ये हमारे लिए नहीं है। जो कुछ भी धन है, जो भी सामर्थ्य शक्ति है, उसमें हमारा विचार चिंतन सेवा का रहेगा तो हम इसी तरीके से इस देश को बदल कर रहेंगे और इस देश को बदलने में आप जैसे लोग काम करेंगे, आपके संस्कार काम करेंगे, आपके सेवाभावी विचार काम करेंगे, आपकी करुणा, दया, संवेदना काम करेंगे। और इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि कोई भी संकट आए, कोई भी आपत्ति आए, हम हर संकट आपत्ति से लड़ने की ताकत भारत में है, हमारी हर चुनौतियों से लड़ने की ताकत भारत में है। और यही कारण है कि सामूहिक सहकारिता की भावना से, सेवा भावना के कारण आज समाज में एक व्यापक परिवर्तन हुआ है। सेवा भारती उसके लिए एक माध्यम बनी है, जिन्होंने लंबे समय तक इसी तरीके से समर्पण सेवा के भाव से हजारों स्वयंसेवक तैयार किए, जिन्होंने अपने जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिए। लाखों लोग हैं जिन्होंने अपना परिवार छोड़कर केवल देश आगे बढ़े, इस देश को वैभव पर ले जाना है, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलना है, अच्छे संस्कार, व्यक्तित्व निर्माण करना है, इसके लिए अपने जीवनों को देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। इसी सेवा भाव से सेवा भारती काम कर रही और सतत इनके प्रयासों से समाज में एक परिवर्तन आया है और हम और परिवर्तन करेंगे। हम न विराम करेंगे न विश्राम करेंगे जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन नहीं कर देंगे। उस समय तक सेवा भारती इसी तरीके से निरंतर सतत काम करती रहेगी, समाज के इसी तरीके से लोगों को जोड़ती रहेगी और इसी तरीके से आप सेवा भारती को सहयोग करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।